देखो बच्चा, हाँ इतने दिन से जो तुम उपास पड़ी हुई थी, भूखी प्यासी थी, अभी मैं तुमको प्यास बुझा दिया, समझी? हाँ। अब तुम चलो वहाँ पर, तो तुमको ऐसा जरी देंगे, ऐसा जरी देंगे, 24 घंटा खड़ा रहेगा तुम्हारा पति का। ए राजा 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 करे दर में समाजा, उठाला कनी कोरा बेटाई लगे माजा, अब बोहिया में कोसी के सैया मारे ला खचा खच खच खच, बोहिया में कोसी के सैया मारे ला खच 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 खच। ए राजा 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 करे दर में समाजा, उठाला कनी कोरा बेटाई तुझे माजा, बोहिया में कोसी के सैया मारे ला खच 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 खच, बोहिया में कोसी के सैया मारे ला खच 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 खच। चेला बाबा, कोई कारनी नहीं आता है तो मन ही नहीं लगता है यहाँ पर आश्रम में बैठे बैठे। आएगी आएगी बाबा, आएगी, जरूर आएगी। कब आएगी? मैंने अपना तंत्र मंत्र छोड़ दिया हूँ। अच्छा, जो आप मुझे सिखा रखे हैं। हाँ। जरूर आएगी। प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, आनंद रहो। चेला देखे, तुम जैसे ही बोला कि आ गई सुंदर नारी, बाबा इस पर करेगा सवारी। नारी पे? हाँ, किस पे करेंगे? नारा पे। बोलो बाबा। हाँ बोलो। जब भी कोई नारी आती है अपना कष्ट लेके, सवारी आप करते हैं, लगाम हम पकड़ते हैं। तुम्हारा काम ही क्या है चेला? बाबा करे सवारी, आ तुम उसके रहो पिछाड़ी। अब हम खुद गुरु बनेंगे बाद में। बाद में नहीं, जब हम मर जाएंगे तब। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तुम चेले बन के रहेगा। कब मरेंगे? अभी समय नहीं है, ऊपर वाले बताएंगे। चल चुपचाप रहो, खाना में झड़ धो के मार देंगे। क्या नहीं बोला? नहीं बोला, जब मरेंगे बूढ़ा हो के। देखो कितना अच्छा है मेरा चेला। तब कहाँ से आई हो बच्चा? मुक्तापुर से। मुक्तापुर से आई? हाँ। हो अच्छा, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? बहुत बड़ा कष्ट है बाबा, बहुत बड़ा कष्ट। समझिए उसके बिना हम अधूरा है। उसके बिना अधूरा है? हाँ। अरे अधूरा है तो पूरा हो जाएगा, बाबा के पास आई हो तो बोलो तो सही। खोल के बोलो, खोल के। हाँ। ताबीज बना दी बाबा जी, सैया के हरदम खड़ा रहे। ताबीज बना दी बाबा जी, सैया के हरदम खड़ा रहे। अरे पा उस बाबा, ये क्या बोल रहे? मैं समझा नहीं बाबा। हाँ। मेरे पति का कुछ खड़ा ही नहीं होता है। अब बताइए, मेरे पति का जब खड़े नहीं होता है तो हम उसके यहाँ बैठ के क्या करेंगे? अरे पा, ये तो बहुत बड़ा समस्या है। बहुत इलाज करवाए। हाँ। होम्योपैथी का, एलोपैथी का, सुसुपैथी का, अंग्रेजी इंग्लिश सब कुछ करवा दिए उसको, फिर भी खड़ा नहीं होता है। फिर भी खड़ा नहीं होता है। अरे पा, बाबा का होता है। अपना से हम खड़ा करने का कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन उघा के सो जाता है। अरे पा, ये तो बहुत बड़ा समस्या है। तुमको तो पता होगा बच्चा, इतना जो सृष्टि जो चलता है तो उसी किला पे चलता है। वही उसी किला पे सब राज करता है ना, शादी ब्याह करता है, धूम धड़ाका मनाता है, वही पे ना। हाँ बाबा। और जब वही नहीं काम करेगा तो फिर औरत को रहकर क्या फायदा उस घर में उसके साथ रहने में? फिर अपने सबके जैसे बाबाजी बन जाएगा। वही ना बाबा। साला हम तो बाबाजी है, फिर भी हमको खड़ा होता है। तुमको भी खड़ा होता है ना? बहुत दिन में 25 बार। अरे बा। हाँ बोलो। ठीक हो जाएगा ना? अरे एकदम खड़ा होगा। तो दीजिए ना कोनो जड़ी बूटी ताकि उसको घस के पिया देंगे, उसका खड़ा हो जाएगा। एकदम एकदम देंगे उस किला पर हम राज करेंगे। एकदम तुमको ऐसा जड़ी देंगे, ऐसा जड़ी देंगे कि हमेशा खड़ा रहेगा, टेम्परेचर एंटीना की तरह। बाबा ऐसा ही चाहिए। एकदम देंगे। पति कहाँ रहता है? यही रहता है, बर्फ बेचता है। यही पे बर्फ बेचता है? हाँ। उम्र कितना हो रहा है पति का? पति का वही 40 साल। 40 साल? 40 साल पुरने वाला है। अच्छा, पहले खड़ा होता था? शुरू शुरू में होता। चट्टा कहीं के क्या पकड़ा दिया, क्या पकड़ा दिया, क्या हुआ? नहीं, चेला हमको केला धरा दिया था हाथ में। ओ नींद लगा। हाँ, हाँ, हाँ। सो जाइए, सो जाइए। अच्छा, पहले खड़ा होता था, अब हाँ, नहीं होता है? शुरू में खड़ा होता था, अब नहीं होता। अच्छा ठीक है, ठीक है, घबराओ नहीं। पहले हमको देखने दो कि आखिर क्यों नहीं खड़ा होता है। जब तक हम जड़ी बूटी के नाम लिखते हैं। जय। अरे बा बच्चा। हाँ बाबा।
अरे तुम्हारा पति का तो कभी नहीं खड़ा होगा। नहीं होगा? हाँ बाबा, ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि उसका स्प्रिंग टूट गया है। टूट गया? हाँ। अब क्या होगा बताइए? अभी तक हमको न बच्चा हुआ है, न कुछ, न घर गृहस्थी, बसने से पहले उजर गया। बिना मोबिल का चल रहा था गाड़ी। स्प्रिंग उसका टूट गया तो फिर कैसे खड़ा होगा? मोबिल नहीं था ना बाबा। कोई उपाय नहीं है। देखो बाबा के पास आई है तो उपाय है। बाबा तुमको ऐसा जरी देगा, ऐसा जरी देगा, एक बार तुम उसको खिला देगी ना, हाँ। तो हमेशा खड़ा रहेगा, घोड़े जैसी ताकत उसको अंदर आ जाएगा शरीर के अंदर, हाँ। लेकिन उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। हमको? हाँ बाबा, जो बोलिएगा हम करने के लिए तैयार है। करने के लिए तैयार हो? हाँ। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्या चेला? हरदम खड़ा रहेगा, घूम घूम करेगा। अब जैसा तंत्र मंत्र विद्या आजमाइएगा, कीजिएगा, हम करने के लिए तैयार है। तैयार हो? हाँ, खाली मेरे पति खड़ा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो चलो मेरे साथ पीछे झाड़ी में। यहाँ नहीं होगा तंत्र मंत्र विद्या? यहाँ हम तो जरी देंगे ना, लेकिन बाकी का काम तुमको झाड़ी में करेंगे। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक। आप बैठिए, हम ले जाते हैं। तुम ले जाएगा? झाड़ फूक करेंगे ना। अच्छा तुम ही ले जाओ, जाओ ले जाओ, चेला ही कर देगा। नहीं नहीं, जाओ ना, मौका दीजिए। हो गया, जाओ ना। नहीं बाबा, आप जाओ ना। अच्छा ठीक है, तो तुम बैठे रहो। नहीं तो आप शराब दे देंगे तो हम बकरी बन जाएंगे। जानता है तू इसका मतलब मेरे बारे में ना। चलो इधर 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 चलो, मेरा कुटिया इधर है, झाड़ी इधर है। अब बाबा बहुत हरामी है, बहुत ज़्यादा। अगर हम उसको ले जाते तो हमको वो बकरी बना देता। आ जाओ। देखो बच्चा, हाँ इतने दिन से जो तुम उपास परी हुई थी, भूखी प्यासी थी, अभी मैं तुमको प्यास बुझा दिया, समझी? हाँ। अब तुम चलो वहाँ पर, तो तुमको ऐसा जरी देंगे, ऐसा जरी देंगे, 24 घंटा खड़ा रहेगा तुम्हारा पति का। ठीक है बाबा। हाँ, चलो, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। नहीं नहीं। 62, 63, 64, 65, 65 लगाने के लिए गए झाड़ी में, इधर सारा रगड़ रहा है बारी में। चला, क्या कर रहा है? 61, 62। अरे बा, तुमसे हम परेशान हो गए। बैठो बैठो, तुमको हम बताते हैं, पहले कारनी को जाने दो। खड़ा करने वाला जरी जो दिए थे, लाओ जरी लाओ। देखो बच्चा, अब जो है ना, हम तुमको जरी देते हैं, उसको सिलौट पर अच्छा से पीस लेना, और पीसने के बाद जो है ना, उसको पति को घोर करके गिलास में पिला देना। जब भी तुम सोने के लिए जाना, सोने से 1 घंटा पहले उसको घोर करके पिला देना। उसके बाद तो इतना कबड्डी खेलेगा, इतना कबड्डी खेलेगा कि समझो कि तुमको हालत खराब कर देगा। ऐसा मंत्र होता है, कबड्डी खेलना है, कबड्डी खेलेगा इस जरी को खाने के बाद, पीने के बाद। अच्छा अच्छा, को ये लो बच्चा, इस जरी को जो है संभाल के रखना, समझी? ठीक। उसको पीस करके सिगरेट पे अच्छा से पिला देना, ठीक। उसके बाद देखना, जाओ कहीं के जब ये हम जाते हैं झाड़ी में, ये तो रगड़ने लगता है बारी में, लाज शर्म नहीं होता है तुमको? बाबा हम जो आपको देखते ना उधर, हाँ, तो हमको यहाँ नहीं रहा जाता है। क्यों? तुमको भी मन करते रहता है। हम भी जवान है ना। तो तुमको तो बोल रहे थे कि लेकर जाओ, तो क्यों नहीं गए? हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा। हाँ 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 बाबा। हाँ कहो ना। हमरा शादी कब करवाएंगे आप? शादी? शादी करेगा, शादी करेगा। खाना वाना बनाने के लिए एक चेली हो जाएगी। बाबा बने हुए हैं, शादी करने के लिए नहीं है, अगल बगल खाएंगे, ढेरी तर नहीं जाएंगे। हम लोग को शादी नहीं होता है बाबा को। तो खाएंगे आप ना, हम तो भूखे रह जाएंगे। तुमको भी फल फ्रूट मंगा देंगे, खा लेना। समझा? टुकला? हाँ टुकला भी खिलाएंगे, आम भी खिलाएंगे। बाबा देखो ऐसे मत करो, हम बाबा है ना रे। अच्छा बाबा है, थोड़ा सेवा करो, हम थक गए हैं, इतना मेहनत करके आए हैं उधर से।